नमस्कार, कृषि दर्शन के लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं आपका फोन इन कार्यक्रम है जहां आप हमसे सीधे सीधे दूरभाष पर बात भी कर सकते हैं और आज विषय के संबंधित किसी भी समस्या का समाधान स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों द्वारा पा सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2800177 और 2800178। यदि आप शिमला से बाहर से कॉल करेंगे तो शिमला का एसटीटी कोड यानी 0177 लाना ना भूलें। टेलीफोन नंबर से एक बार फिर नोट कर लें 2800177 और 2800178। आज के इस कार्यक्रम में जो चर्चा के लिए हमने विषय चुना है वो है हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं। जी हाँ, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर समीर शर्मा, आप कृषि सूचना अधिकारी हैं कृषि निदेशालय शिमला में, और उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर संजीव कुमार, आप भी कृषि निदेशालय में ही कार्यरत हैं कृषि विकास अधिकारी के पद पर। डॉक्टर साहब, आपका दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर समीर, जैसा हम जानते हैं हम जो आपका जो विभाग है हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग की हम बात कर रहे हैं, वो कौन कौन सी योजनाएँ प्रदेश के कृषकों के लिए हित में चला रहा है उसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले आप बताएं हमें कौन कौन सी आपकी प्रमुख योजनाएं कार्य कर रही हैं। जी, कृषि विभाग जो किसानों के लिए जो प्रमुख रूप से इस सीजन के लिए जी विभिन्न योजनाएं चला रहा है उसमें मुख्य रूप से डॉक्टर 22 परमार किसान स्वराज योजना जो पोलियो सेलेक्टेड है जी, राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना जी, एक हमारा सब्जी उत्पादन के लिए उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना जी, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए, और इसके साथ साथ हमारा एक जो एक बड़ी बॉन्ड योजना चली हुई है मुख्यमंत्री किसान एवं खेती मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, इस टाइप की स्कीम में चला रहा है। अच्छा, तो अगर हम बात करें आपके विभाग की और आज वर्तमान में जैसे सभी जानते हैं कि जो खरीफ सीजन जो है या खरीफ का जो मौसम है वो चल रहा है, तो ऐसे में अधिक से अधिक किसान को आप लाभ पहुँचा सके, आपका विभाग जो है लाभान्वित कर सकें, कौन कौन सी आप समझते हैं कि क्या क्या प्रबंध आपके आपके ऑफिस द्वारा या निदेशालय द्वारा किया गया है? जी देखिए, जो हिमाचल जो हमारे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जी। हमारे 90% के आसपास जो लोग हैं वो गांवों में रहते हैं, और उसमें भी जो 70% के आसपास जो लोग हैं वो सीधे तौर पर ये कृषि से जुड़े हैं। तो हमारी जैसे प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या देखते हुए विभाग का ये हमेशा प्रयत्न रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन किया जाए। इसके मद्देनजर रखते हुए विभाग ने जो इस खरीफ सीजन में कुछ खाद्यान्न के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अच्छा, तो इस सीजन में हमारा जो टोटल जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य वो 9,00,000 टन के आसपास है। अच्छा, उसमें भी हमारे जो मुख्य फसलें जैसे मक्की आती है उसके लिए हमारे इस सीजन के लिए 7.5 लाख जो लाख टन जो उत्पादन का लक्ष्य रखा है जी। इसके अलावा धान का हमने 1.30 लाख टन के आसपास रखा है, और जो हमारी मुख्य नकदी फसलें हैं जैसे देखिए आप अदरक है जी, उसका हमने 35,000 टन के आसपास रखा लक्ष्य जी। जो हमारा सब्जी उत्पादन का है वो हमारा 15 लाख टन के आसपास है, और जो एक आलू है एक मुख्य फसल हमारी नकदी फसल है जी, उसका भी हमने 2 लाख आसपास के आसपास इसका लक्ष्य लक्ष्य रखा हुआ है। इसके मद्देनजर विभाग ने जो एक जो हमारा किसानों के लिए एक स्कीम बनाई उसके अंतर्गत हमारे इस साल जो 25,000 टन के आसपास जो 25,000 क्विंटल के आसपास जो हमारा उन्नत बीज है किसानों को वितरित करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ साथ हमारे एक बायो फर्टिलाइजर जो इनको जीवाणु खाद्य बोलते हैं जी, जो 100 टन के आसपास जो किसानों में वितरित करने का लक्ष्य रखा हुआ है, और जो हमारे एक मुख्य रूप से जो औजार उपकरण आते हैं जी, जो उनको भी हमने वितरित करने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो इस खरीफ सीजन में हमने 50,000 के आसपास जो लक्ष्य किसानों में बांटने का रखा हुआ है, मतलब 50,000 किसानों को आपने लाभान्वित करना है। 50,000 जो हमारे जो उपकरण है जैसे औजार विभिन्न टाइप के औजार अच्छा, जो कृषि से संबंधित जो इम्प्लीमेंट्स जिसे हम कहते हैं वो है। डासा इसमें देखिए, इसमें हमने जो हमारे जो प्रमुख से जो दलहन है तिलहन है फसलें हैं या औजार है उसमें सरकार जो है उपदान भी दे रही है। इसके साथ साथ देखिए जो हमारे प्रमुख रूप से जो विभाग का कार्य है वो है किसानों को उन्नत से बढ़िया बीज खाद और जो बीज सप्लाई करना। इसी के तहत विभाग ने इस खरीफ सीजन में 1,000 खाद के सैंपल जी, और जो बीज हैं जो प्रमुख रूप से हमारा एक कंपोनेंट है उसके 400 के करीब, और जो हमारा दवाइयां है जो कीटनाशक जो हम किसानों में बांटते हैं जी, उसके हमने को 150 के आसपास जो सैंपल लेने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे किसानों को उन्नत बीज उन्नत क्वालिटी के जो हमारे खाद और जो ये जो हमारा इसके साथ साथ जो ये दवाइयां हैं जो किसानों में वितरित हो सके। अच्छा, तो ये तो खरीफ मौसम की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, और आपने हमें बताया कि क्या क्या आपके विभाग द्वारा इसमें विभिन्न गतिविधियों में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो आपने कहा कि आप उत्तम
क्वालिटी का, उत्तम किस्म के आपने बीज भी तरह तरह का फसल के जो है किसान भाइयों को उपलब्ध करवाने हैं, तो ये सारा जो आपके जो बीज है आप खुद कहाँ से प्राप्त करते हैं, या खुद उसको तैयार करवाता है, विभाग ही तैयार करता है कि कहीं बाहर से लेते हैं? इसमें हम कुछ हमारे यहाँ पे अलग अलग जगह पे हमारे फार्म है डिपार्टमेंट के, अच्छा हम फार्मर से प्रोक्योर करते हैं जी, कुछ हमारा जो एनएससी वगैरह है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हुआ है या बाहर से भी इसको प्रोक्योर करते हैं जी। तो जो सारा जो सीड आता है वो पूरा सर्टिफाइड होकर आता है, उसके बाद हम उसकी सैंपलिंग होती है प्रॉपर, जब विभाग कोई भी बीज प्राप्त करता है तो उससे पहले सैंपलिंग करते हैं और उसकी जब टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम किसानों को वितरित करते हैं। अच्छा, मतलब सुनिश्चित विभाग ये करता है कि जो भी जो बीज है हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे वो उत्कृष्ट क्वालिटी का हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने बताया कि लक्ष्य निर्धारित आपने कर लिए, तो ये नेचुरल है कि बजट के साथ आपने इसको लिंक किया होगा विभाग ने, तो अधिक से अधिक किसान जो है और जो जेन्युइन किसान है जिसको आवश्यकता है किसी प्रकार की सहायता की और तो वही लाभ उसको अर्जित हम वो कर सके, तो यही सबकी चाह रहती है, तो उसमें आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या किसान भाई हमारा क्या करे इन सभी स्कीमों में, किसी ना किसी एक गतिविधि के साथ अगर वो जुड़ना चाहता है, अनुदान प्राप्त करना चाहता है या अन्य प्रकार का लाभ लेना चाहता है, तो सबसे पहले वो कहाँ संपर्क करे, क्या क्या प्रक्रियाएं इसमें रहती हैं इस सेवा को लेने के लिए? देखिए, हमारे जो ब्लॉक लेवल पे हमारे विशेषज्ञ विशेषज्ञ होते हैं जिसको हम एसएमएस बोलते हैं जी, उसके अलावा हमारे वहाँ पे कृषि विकास अधिकारी तैनात होते हैं जी, कृषि प्रसार अधिकारी तैनात होते हैं। तो मेरी किसान भाइयों से हमेशा ये सलाह है कि जब भी किसी चीज की आपको कोई सलाह लेनी है, कोई जरूरत हो, तो हमारे जो ब्लॉक में जाके हमारे किसान कृषि अधिकारी से मिले और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके उसका लाभ उठाएं। अच्छा, अगर डॉक्टर संजीव आपको चर्चा में सम्मिलित करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे स्कीम की डॉक्टर समीर ने बात करी, लाभ लेना चाहें तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं, तो ये आपकी जो स्कीम होती है किसी प्रकार की कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें रहता है कि ये छोटे किसानों के लिए स्कीम है या बड़े किसानों के लिए है, या कोई जैसे कोई आय का इसमें कोई आपने कोई इसमें क्राइटेरिया रखा है अन्य कोई, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सभी किसान इसमें सम्मिलित करते हैं हम। अच्छा, सभी प्रकार के किसान जो इसमें लाभ ले सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, तो एक स्कीम की पहले जिक्र आ रहा था, पॉली हाउस की एक आपकी स्कीम है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं विस्तार से। जी, पॉली हाउस की जो स्कीम है उसका नाम है डॉक्टर बाईस किसान स्वरोजगार योजना जी। ये योजना जो है वो 14-15 वर्ष से आरंभ की गई है और इस योजना की अवधि है वो 4 वर्ष है, ये 17-18 तक चलाई जाएगी और इसमें मुख्य तौर पर 4700 पॉली हाउस इस अवधि में बनाए जाएंगे और 2150 जो है सूक्ष्म सिंचाई या जो इकाइयां हैं टपक या फवारा जो है वो। अच्छा, सूक्ष्म जो सिंचाई की आपने बात जिक्र किया है तो ये पॉली हाउस के लिए ही होगा कि या कोई अन्य भी अगर खुले में भी करना चाहे उनके लिए नहीं होगा? उनके लिए अलग से एक योजना चली। अच्छा, सिंचाई वाली अलग से? राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना अलग से 154 करोड़ की योजना है वो। अच्छा, उसमें 8500 हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किया जाए। अच्छा अच्छा, तो अच्छा ये जो पॉली हाउस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी, इसमें अगर लाभ लेना है? इसमें अगर किसान ने लाभ लेना है तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो नोडल बनाए हुए हैं हर ब्लॉक में, तो उनके पास आवेदन करना होगा। उसमें कुछ औपचारिकताएं हैं वो उनको निभाने के बाद जो है, जैसे ततीमा है पॉली हाउस के लिए, जिस जमीन में पॉली हाउस बनाना है तो उसका ततीमा नक्शा चाहिए और किसान को 2000 वर्ग मीटर तक ही वो सहायता ले सकता है। जी। उसने पहले किसी भी योजना में, जैसे हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग द्वारा चलाई जा रही एक योजना है हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन, हाँ जी, तो अगर उसने उस योजना में पॉली हाउस अगर पहले से बनाया हुआ है तो उसको कम करने के बाद जो क्षेत्र बचता है उसी में उसको सहायता मिलेगी। और अच्छा, इसके लिए टोटल आपने जो उसका जो क्षेत्रफल है वो उतना पूरा रहेगा, लेकिन जब पहले वो लाभ ले चुका है तो अगर तो उसमें कम कर दिया जाएगा तो उसको कम कर दिया जाएगा, मतलब टोटल उसका लगभग जितना उसको लाभ स्कीम में मिलना है तो दोनों को मिला के उतना लाभ उसको। 2000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं वो लाभ ले सकता, उसको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, वो आपने डॉक्टर साहब वो काफी जो स्कीम का जिक्र किया हॉर्टिकल्चर मिशन वाली, तो काफी प्रचलित रही और काफी पॉपुलर हुई है और काफी पॉली हाउस जो प्रदेश में देखने को मिले भी हैं और लोगों को लाभ भी उससे हो रहा है। इसके अलावा जो हमारा R&D डिपार्टमेंट है ब्लॉक, जो ग्रामीण विकास विभाग, वो भी पॉली हाउस में सहायता दे रहा है इसमें। अच्छा, किसानों को वो सारा जो क्षेत्रफल घटाने के बाद जो बचता है। अच्छा, तो उसी में वो सहायता 85% इसमें उपदान दिया जा रहा है। 85% इसमें मिलता है। इसके अलावा जो बाहर जो पॉली हाउस के बाहर जो जल स्रोत इकाइयां हैं, जैसे पंपिंग लघु और मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं, उसके लिए 50% उपदान इसमें दिया जा रहा है। अच्छा, और वो आपने बताया कि जो बजट के अनुसार जो पहले आएगा किसान, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, चाहे छोटा किसान है, मझोला किसान है, बड़ा किसान है, सभी को एक समान जो है इसमें लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा। जी, जैसे किसी ने नर्सरी उत्पादन करना है, हाँ, तो उसके लिए पॉली टनल्स अनुमोदित कर रहे हैं विभाग। अच्छा,
तो पॉली टनल्स का एरिया होता है जो 6 वर्ग मीटर। ये टनल भी जो अभी बनाएंगे पॉली हाउस के अंदर होगी या बाहर भी? बाहर बाहर। अच्छा, खुले में जी। अच्छा डॉक्टर समीर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे काफ़ी आप देखते हैं कृषि को बढ़ावा देने के लिए विभाग तो कई वर्षों से प्रयासरत है और अच्छे इसके रिजल्ट्स देखने को मिले भी हैं, लेकिन किसान भाइयों में अभी भी जो जंगली जानवरों से जो खेती को जो नुकसान हो रहा है उसकी बात हर जगह की जगह मिल जाती है इसको। और गत जो आपका ये बजट सेशन था वहाँ पर भी हमने सुना था कि सरकार ने बहुत अच्छी एक योजना जो है उसको अनाउंस उसमें की थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या वो कृषि विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है और योजना क्या है? देखिए, जो जंगली जानवर है या बंदरगाह है जी, आज की तरीके में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गई किसान भाइयों के लिए जी। और मोस्टली देखा गया है कि ये जगह किसान भाई तक खेती करना छोड़ दिया है। इसके मद्देनजर जो प्रदेश सरकार द्वारा इस साल से एक बजट सेशन में नई स्कीम डाली है, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। अच्छा, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना जी। मतलब एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आरम्भ की है। इसमें 25 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है इस वर्ष के लिए जी, और किसानों को 60% इसमें सब्सिडी दी जाएगी। अच्छा, इसमें गतिविधि क्या रहेगी, क्या इसमें कार्य होगा? इसमें ऐसा कि जो किसान के जो खेत होंगे उसमें सोलर पैनल के द्वारा विद्युत प्रवाह किया जाएगा तारों में, तो कि जैसे ही कोई बंदर या कोई जंगली उसको टच करता है तो एक हल्का सा झटका लगेगा उसको। अच्छा, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हल्का झटका लगेगा। अच्छा, शारीरिक तौर पर अगर नुकसान की बात करेंगे तो जानवर को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक थोड़ा सा झटका उसको महसूस होगा ताकि वो एक उसमें भय आ जाए कि यहाँ पे मुझे नहीं आना है। जी 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 जी। और इसके अभी हमारे टेंडर वगैरह हो गए थे इसके, और तीन जो इसके लिए जो तीन फार्म वो चयनित किए हैं जी, तो हमारा प्रयास ये है कि इसको 1-1.5 महीने में इसमें इम्प्लीमेंटेशन स्टेज शुरू हो जाएगी, और जिससे कि हमारे जो प्रदेश के किसान हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सके। और मैं यहाँ पे किसान भाइयों के लिए एक और सजेशन देना चाहूँगा कि इन द मीन टाइम जैसे जहाँ कभी प्रॉब्लम भी है तो हमारी कई फसलें हैं, जैसे भिंडी हुई, अरबी हुई, जिमीकंद हुआ, अदरक हुआ, ये मोस्टली देखा गया कि जो जंगली जानवर है बंदर वगैरह इनको बहुत कम नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छा, तो इन एरिया में भी जहाँ पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इन फसलों को भी बढ़ावा दे और ज़्यादा से ज़्यादा इनका फायदा उठाएं इनको लगा के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फसलें आप एक बार फिर बता दें, क्योंकि तो हमारी जानकारी में काफ़ी वृद्धि हुई है कि ये कुछ फसलें हैं जिसमें जंगली जानवर जो है कम उसको नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी भिंडी हुई, हाँ भिंडी सब्जियों में, जिमीकंद जी, अरबी हुई, जैसे हल्दी हुई, इस टाइप की जो फसलें हैं इनको मतलब जंगली जानवर बंदर बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि आपने सब्जी की फसल बताई जिसमें जंगली जानवर जो है कम नुकसान करते हैं, तो सब्जी की फसल अगर हम यहाँ बात करें तो कौन कौन सी ऐसी उत्तम किस्म की सब्जी है जिसका बीज जो है आप किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसी कोई योजना आपकी है? जी हाँ, हमारे प्रदेश सरकार ने गत वर्ष एक नई योजना आरम्भ की है जिसमें सब्जी उत्पादन केंद्रों की स्थापना के द्वारा लोगों को उत्तम जो पौध सामग्री वो उपलब्ध कराना है। जैसे अब देखा गया है कि जो हमारा सब्जी उत्पादन का मेन जो कंपोनेंट है वो अगर आपकी पौध अच्छी होगी, अच्छी उन्नत किस्म की होगी, तो आगे जो प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। तो इसके लिए सरकार ने इस वर्ष के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा हुआ है, प्रावधान इसके अंदर। अच्छा, और इसमें हमारा 2 जगह काम चल रहा है, एक हमारा इंदौरा में कांगड़ा में और जो बरहट्टी जो शिमला में है। अच्छा, वहाँ पे है। और इसमें मतलब लोगों को जो हमारे फल पौध हुआ या फूल हुए या सब्जी उनकी अच्छी नर्सरी उपलब्ध कराना और अच्छे से अच्छा उसको मुनाफा जिससे किसान भाई ले सकें, तो ये योजना पिछले साल से स्टार्ट की हुई चल रही है सरकार ने जी। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो विभिन्न परियोजना आपने बताई, डॉक्टर संजीव आपसे जानना चाहेंगे कि एक सूक्ष्म सिंचाई की आपने बात करी, इसके अलावा भी कोई आपकी कोई स्कीम जो है आप चल रही है आप बताना चाहेंगे? जी, सूक्ष्म सिंचाई के अलावा 2 योजनाएं चल रही है मुख्य तौर पर। एक तो केंद्र सरकार द्वारा 2015 से आरंभ की गई है जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आरम्भ की है। इसमें पहले ऐसा होता था कि 4 विभाग है जो सिंचाई से संबंधित है, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग जो है और ग्रामीण विकास विभाग जो सिंचाई के साथ काम सिंचाई के लिए काम करता था किसानों के लिए, ये अलग अलग अपने स्तर पर योजनाएं बनाते थे। लेकिन इस योजना के आने के बाद ये सभी जो 4 विभाग है वो एक ही मंच पर कार्य कर रहे हैं और जिला स्तर पर ये योजनाएं बनाई जा रही है जिसके जो चेयरमैन है वो जिलाधीश है। अच्छा, और इनको राज्य स्तर पर जो एक समिति बनाई गई है हमारे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वहाँ पर इनको मंजूरी दी जाती है। हाल ही में एक मीटिंग हुई 27 मई को, उसमें 7862 करोड़ की योजनाएं जो है 4 वर्ष के लिए मंजूरी मिली है, बहुत अच्छी बात है। ज्वाली जो तहसील है कांगड़ा की, उसमें सूखा हार नाम की एक योजना है
जी, उसमें 154 करोड़ की वो योजना है, वो उसको भी मंजूरी मिली है। अच्छा, उसमें उसमें गतिविधि क्या रहेगी उस परियोजना में? वो मध्यम सिंचाई योजना है वो। अच्छा, इरीगेशन से संबंधित सिंचाई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कृषि की जैसे हमने बात की, अच्छे बीज आप उपलब्ध करवा रहे हैं, सहायता अन्य प्रकार से आप दे रहे हैं, पॉली हाउस की आपने बात की, और कृषि से संबंधित जो यंत्र हैं उनके उपयोग की भी बात आपने की थी, एक परियोजना आपकी चल रही है इक्विपमेंट्स की या कृषि इम्प्लीमेंट्स की हम बात करें, तो इसमें देखा गया कि कई बार जो है दुर्घटना भी इसमें पेश आ सकती है, चाहे आप चाहे कटर से संबंधित बात करें, ट्रैक्टर से या कोई और मशीन के साथ कार्य जब करते हैं तो हो सकता है कि दुर्घटना भी देखने को सुनने को मिलती है। तो ऐसे में भी कि आपका विभाग जो है कि किसान की जो किसी कारणवश दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो किस प्रकार से कोई सहायता आप करें, या ऐसी कोई आपकी परियोजना है? जी हाँ जी, इसके लिए भी योजना है, अगस्त 2015 से और योजना ये चलाई गई है, पिछले वर्ष भी ये रही योजना और इस वर्ष भी लागू है। ये मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना है। अच्छा अच्छा, इसमें किस प्रकार का आप लाभ उपलब्ध करवाते हैं किसान को? किसान का या खेतीहर मजदूर जो है वो स्थानीय होना चाहिए। अच्छा, वो किसी ठेकेदार या कंपनी का मजदूर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये मजदूर के लिए भी है और किसान के लिए भी है? जी जी जी। अच्छा जी। तो उसका अगर कृषि मशीनरी के उपयोग के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसे मृत्यु होने पर 1.5 लाख का सहायता प्रदान की जाती है, और अगर वो स्थायी रूप से अपंग हो जाए तो उसे 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इस तरह से अगर दो बाजू जो या दो टांगे कट जाए तो उसके लिए 40,000 और 10,000 तक इस तरह से इसमें सहायता दी जा रही है। अच्छा, ये डॉक्टर समीर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप काफ़ी हम सुनते हैं और काफ़ी ये जो एम किसान आपका चला है, एक बाकी आईटी से संबंधित या किसानों की कॉल सेंटर की आप बात करें उसमें भी हम सुनते हैं कि आप भाई एम किसान में अपने आप को रजिस्टर करवा लें, और तरह तरह की जो सूचनाएं हैं, जानकारी जो आपको मोबाइल पर घर द्वार पर एक किसान को मिल सकती है, थोड़ा सा बताएं ये स्कीम क्या है? जी देखिए, आज के ज़माना जो आईटी सेक्टर का ज़माना है जी, जी तो फार्मर भी चाहता है कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि किसान खेत में गया होता है तो चाहता कि वहीं पे उसका सलूशन मिल जाए, जी। तो इसलिए इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा एक किसान पोर्टल चलाया गया है, उसमें फार्मर रजिस्टर्ड होके उनको हम जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के नोडल अफसर अपॉइंट हैं तो वो एक एडवाइजरी देते हैं फार्मर्स को डिपार्टमेंट वाइज और जो फार्मर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उस हिसाब से एक एडवाइजरी जाती है जिससे किसान को बहुत फायदा होता है। इसके साथ साथ एक किसान कॉल सेंटर है जो कि 24/7 वीक चलता है और सुबह 10 से 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेके आप शाम को 10 बजे तक कभी कॉल कर सकते हैं। उसका नंबर है 1800-1801551। तो जो किसान भाई चाहे कोई कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ एडवाइजरी लेना चाहते हो तो उस नंबर पे कॉल करके उसको तुरंत उसी टाइम उसको सोल्यूशन मिल जाता। अच्छा, और इसमें डॉक्टर साहब जो कृषि से संबंधित जानकारी के साथ साथ जो कृषि से जो लाइन डिपार्टमेंट में बात करें, चाहे आपका पशुपालन विभाग है या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, सभी के लिए मतलब कोई भी किसी प्रकार की सहायता जो एक किसान है या पशुपालक है प्राप्त करना चाहता है, वो जो आपने नंबर एक बार डॉक्टर साहब उसको दोबारा बोलें, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं और ये निःशुल्क यहाँ पे कॉल होती है, निःशुल्क है 1800-1551। ये आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते, कहीं भी आप कॉल कर सकते हैं, जो आपकी जो भी समस्या का जो समाधान किसी ना किसी विशेषज्ञ को वो कॉल पहुंचाकर आपका समस्या का समाधान करवाया जाता है। ये बहुत अच्छी स्कीम है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा एक SMS वाली भी आपकी स्कीम चल रही है। इसमें ऐसा कि हमारे चारों जो डिपार्टमेंट, हमारे पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और फिशरी, इसके हमारे नोडल अफसर रजिस्टर्ड हैं जी, और जो किसान भाई इसमें रजिस्टर्ड नहीं है वो भी इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसमें दो तीन प्रोविजन है, एक तो किसान कॉल सेंटर थ्रू रजिस्टर हो सकते हैं। अच्छा, एक हमारा एक कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, वहाँ पे जाके बाहर रजिस्टर हो सकते हैं। एक तीनों पे उनको लगेंगे, एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन के। अच्छा, ये जो जैसे हर लगभग पंचायत में सभी जगह ये कार्य कर रहे हैं, लोक मित्र केंद्र हम जिसे कहते हैं या जो भी है। हाँ, और तीसरा जो सबसे अच्छा है, एक SMS भी अपने मोबाइल से एक SMS के थ्रू भी वो रजिस्टर हो सकते हैं। उसके लिए उनको किसान भाई जी एक नंबर है जी 51969 और उस 51969 पर किसान भाई को एक SMS करना है खाली जी। उसमें उसमें होगा किसान KISAAN जी, और उसके बाद ब्रैकेटों में अपना नाम, स्टेट का नाम। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिले का नाम, उसके बाद ब्लॉक का नाम, और उसको मैसेज सेंड करना है। अच्छा, उसका अच्छा, वो वहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। अच्छा, उससे फिर उनको जो है वो जो भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप दोनों आज हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का कार्यक्रम हमारा कृषि दर्शन, आप देखते रहिए दूरदर्शन। दीजिए डॉक्टर राजीव मेहता को इजाजत, नमस्कार।